नमस्ते दोस्तों, मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल टीवी फैशन एंड स्ट्रेचिंग में, जहाँ मैं बात करती हूँ ब्यूटी फैशन एंड स्ट्रेचिंग की। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी हेयर कटिंग। नॉर्मली हम अपनी हेयर कटिंग अपने आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज मैं शेयर करूँगी अपनी हेयर कटिंग आप लोगों के साथ। इसके लिए हम पहले बालों को अपने अच्छे से कॉम कर लेंगे। बालों को अच्छे से टू पार्ट्स में करके अच्छे से बालों को कॉम कर लेंगे। थोड़े से ही अपने हेयर कट करूंगी, ज़्यादा नहीं। मैंने अच्छे से इनको कॉम कर लिया है और फिर हम लेंगे ऐसी टू रिबन्स जिन्हें मैं ऐसे एक यहाँ पे अटैच करूँगी। एंड डन। एंड दूसरी मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। और आपको अपने बालों की जितनी लेंथ कम करनी है आप रिबन को वहाँ से अटैच करिए, वहाँ से लगाइए और फिर उसके नीचे के बालों को कट कर दीजिए। आपके एकदम स्ट्रेट एकदम बराबर बाल कट जाएंगे अच्छे से पार्लर जैसे। मुझे अपने बालों की इतनी बस 2 इंच बाल मुझे कट करने हैं। कट करती हूँ थोड़े इधर से फिर अच्छे से। ऐसे कट करने से जितना रफ बाल होगा सारा निकल जाएगा। अगर आप पार्लर नहीं जा पा रहे हैं, नॉर्मली हेयर कट करना है, तो आप ऐसे इजीली घर में कट कर सकते हैं। इट्स डन। ये देखिए अब मैं इन्हें ओपन करती हूँ, देखती हूँ। वाओ इट्स डन। ये देखिए सो लवली। ये देखिए ये पीछे से भी इनकी लेंथ बराबर आती है, अच्छे से कट जाते हैं अपने खुद से। और ये वाली हेयर स्टाइल आजकल चल भी खूब रही है, तो आप अपने आप ऐसे अपने हेयर कट कर सकती हैं। ये देखिए आप इससे लेंथ छोटी कर सकती हैं, इतनी भी कर सकती हैं लेंथ, मुझे इतनी ही अच्छी लगती है। मैं बहुत डर रही थी ये करने से पहले, लेकिन मैं सोच रही थी पता नहीं मेरे बालों का क्या हो, लेकिन ये बहुत ही अच्छा हुआ, अच्छे बाल मेरे कट गए। अगर आपको किसी स्टेप में बाल नहीं कट कराने हैं, ऐसे ही बराबर शेप में कट कराने हैं, तो प्लीज़ आप ऐसे ट्राई करके देख सकती हैं अपने बालों के साथ। बहुत ही इजीली कट हो गए हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक फॉर